हालेलुया, सबको जैम से की स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डिलीवर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, किस्मत के भरोसे ना बैठें। जिस तरह नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 की 6 से 8 आयत में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे एक चींटी गर्मियों में अपने आहार को बटोरती है ताकि सर्दी के समय खा सके, वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती। वो अपनी खाने की वस्तुओं के लिए गर्मियों में ही मेहनत करती है ताकि वो सर्दियों में उसे खा सके और जीवित रह सके। परंतु आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल के भरोसे बैठे हैं कि सब कुछ परमेश्वर उनके लिए करेगा, परंतु बाइबल के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुके हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों को, आशीषों को हासिल करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब का भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उसको मिलने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आ रहा था। जब याकूब को इस बात का पता चला तो उसने सारी रात प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत से लड़ा। वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। जब उसने इसके लिए लड़ाई की तो परमेश्वर ने उसके भाई एसाव के मन को बदल दिया और फिर वो उससे एक भाई की तरह मिला। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा लड़ते हैं तो आप जीतते हैं। जो लोग आज किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो लड़ाई नहीं करेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं जिस देश, जिस शहर में रहता हूँ वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं आशीषित नहीं हो रहा, तो मैं फॉरेन चला जाता हूँ। लेकिन आप नहीं जानते, हर देश, हर जगह का शैतान अलग होता है। हर देश, हर इलाके की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आपको उन्हीं परिस्थितियों के साथ लड़ाई करनी है, लड़ना है। आप जब प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, याकूब की तरह लड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल भी बदल सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए, ऊंचा करने के लिए पैदा किया है। बस आपको प्रार्थना के द्वारा लड़ाई करनी है। जब हम बाइबल में किसी भी नबी के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी नबी ने प्रार्थना के बिना मसा पाया हो। उन्होंने भी मेहनत की, लड़ाई की और मसे को पाया। इसलिए मेरे प्रियो, सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे मत छोड़ो, लड़ाई करो, क्योंकि अगर आप आशीषें चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा। जैसे चींटी अपने भोजन वस्तुओं के लिए मेहनत करती है, वैसे ही आपको भी अपनी आशीषों, बरकतों के लिए मेहनत करनी होगी। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट के पूरा करने के लिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा और जीत को प्राप्त करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमेन।